भीड़भाड़ जगहों को खाली कराने गई पुलिस पर पथराव, पुलिस के साथ वाहन भी क्षतिग्रस्त। मामला सुपौल सदर बाजार स्थित रेलवे स्टेशन चौक की है। स्टेशन चौक बाजार में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कराने पहुंचे पुलिस बल रेलवे स्टेशन चौक। स्टेशन चौक पर लगी भीड़भाड़ को हटाने के लिए पुलिस ने एक रिक्शा वाले पर लाठी चला दी। आरोप है कि लाठी लगने से रिक्शा चालक घायल हो गया। जैसे ही रिक्शा वाले के साथ पुलिस की पिटाई की बात आसपास के तमाम ठेला एवं रिक्शा चालक में फैल गई। सभी रिक्शा चालक ठेला चालक गोलबंद होकर पुलिस के विरोध में मोर्चा खोलते हुए सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे थे। सड़क जाम की सूचना मिलते ही पुलिस बल द्वारा सड़क जाम हटाने आई पुलिस पर आक्रोशित लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके कारण पुलिस सहित पुलिस वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस दौरान एक पुलिसकर्मी के घायल होने की भी सूचना मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ एक रिक्शा चालक भी घायल हो गया है। जिसके बाद भीड़ को काबू पाने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल स्टेशन चौक पहुंच गई। बाद सदर SDM मनीष कुमार ने स्थल पर पहुंच किसी तरह मामला को शांत किया। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। साथ ही SDM मनीष कुमार ने बताया कि दोनों घायल का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। जाँच कर जो भी दोषी होगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्टर बलराम कुमार, सुपौल।